साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, विगत कुछ समय से हम लोन डिफॉल्ट से संबंधित मामले में कई वीडियो पोस्ट कर चुके हैं और उन वीडियो को पोस्ट करने के बाद कई लोगों के कई तरह के सवाल होते हैं, कई ऐसे सवाल जिनके जवाब ऑलरेडी हमारे हर वीडियो में मौजूद है, इसके बावजूद भी उनके सवाल रहते हैं और वह कॉल कर देते हैं। जबकि हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि यदि आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आप हमारा हर वीडियो देखें, तो आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है और न ही कॉल बुक कराने की आवश्यकता है। इसीलिए आज मेरा कहना ये है कि आज हम एक ऐसा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जो बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन 99% हम आपको अश्योर करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है ना, तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना, उसके बाद भी यदि आपके सवाल का जवाब न मिले तो फिर आप कॉल करके या मैसेज करके कॉल बुक करवा सकते हैं। क्योंकि डिस्प्ले पे जो नंबर आप देख रहे हैं, यह नंबर हमारे ऑफिस का नंबर है और हमसे सीधी आपसे बात तभी हो पाएगी जब आप कॉल बुक करेंगे। तो साथियों, आज जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उससे देश की एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित है। देश के कई लोग आज की तारीख में मल्टीपल लोन के शिकार है, एनबीएफसी और बैंकों से लिया लोन वो भर नहीं पा रहे हैं और इस कारण उनके मन में कई गलत विचार और गलत ख्यालात आते हैं और कई लोग अपने जीवन तक को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए हमारा कुल मिलाकर ये मकसद है कि प्रत्येक लोन डिफॉल्टर को अपने अधिकार मालूम हो कि कोई जब उनके अधिकारों का अतिक्रमण करे तो उन्हें अपना बचाव कैसे करना है, जब वो लोन की दलदल में फंस जाए तो उस लोन की दलदल से वह कैसे निकल सकते हैं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हो तो उनका बचाव क्या रहेगा। लेकिन इन तमाम वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप लोन डिफॉल्टर बने। यदि आप ने लोन लिया है तो आप कोशिश करें कि आप लोन की ईएमआई की अदायगी समय पर करें, उसमें चुक न करें। यदि आप किसी लोन की अदायगी समय पर करते हैं तो आपका सिविल स्कोर यानी कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा बना रहता है और भविष्य में जो भी आपकी बुनियादी जरूरतें हैं यानी कि बड़ा मकान, बंगला, कार, हर सपना आप साकार कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं विषम आर्थिक हालात और परिस्थितियों के चलते यदि आप उलझ चुके हैं और आप लोन न भर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उन दिक्कतों का समाधान क्या है, उसी पर केंद्रित है आज का वीडियो। तो हमने कुल मिलाकर 49 पॉइंट्स बनाए हैं, जिन 49 पॉइंट्स पर हम आपको बताएंगे कि यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है लोन से संबंधित तो उनका समाधान क्या है। एक बार फिर से कह रहा हूं कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने, आपके हर सवाल का जवाब इसमें मौजूद है और यदि आपका कोई मित्र, परिचित, भाई, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है ना, तो उसको कहना भाई कोई गलत कदम मत उठाना, एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी का ये वीडियो जरूर सुन ले, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को जीने की नई उम्मीद दे सकता है, किसी को मानसिक प्रताड़नाओं से बाहर निकाल सकता है। तो एक शेयर और एक लाइक तो आपका बनता ही है। अब साथियों शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात, यदि आपने लोन लिया है तो आपको लोन भरना चाहिए जिससे आपका सिविल स्कोर अच्छा हो और फ्यूचर में आपको और भी रियायतें प्राप्त हो सके। लेकिन यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हो, मल्टीपल लोन हो चुके हैं, तो लोन लेकर लोन भरो और लोन के दलदल में उलझ जाओ, इससे बेहतर है कि आप डिफॉल्ट हो जाओ। अभी हो सकता है कि ये वीडियो मेरा एनबीएफसी बैंक वालों को अखरेगा, अखरे तो अखरे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन को समाप्त करने की बात करता है, रात दिन तनाव में रहता है, तो उनके लिए बोलना लाजमी है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब भी आपको ये लगता है कि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए हैं,
आपकी ईएमआई आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा हो चुकी है, आपको उन ईएमआई को चुकाने के लिए दूसरे लोन लेने पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ये दायित्व है कि आप अपने परिवार को, अपने माता पिता, बहन भाई सबको विश्वास में ले और उनको बताए कि मैं इस तरीके से उलझ चुका हूं, अब मेरे पास निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि परिवार वालों का सहयोग और उनकी हिम्मत आपको स्टैंड खड़ी रखेगी। और ये ध्यान रखिए कि परिवार के सामने एक बार सच बोलोगे ना तो बार बार झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी। इसीलिए यदि आप लोन के दलदल में फंसे हो तो अपने पूरे परिवार को बैठकर हकीकत से अवगत कराओ, ताकि कल आने वाली परिस्थितियों को निपटने के लिए वो भी तैयार रहे। तो पहली चीज, अपने परिवार को विश्वास में लीजिए, परिवार को सारी बात बताइए। फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये जानना जरूरी है कि आपका लोन कौन सा है, क्योंकि मेन रूप से लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। ये दोनों ही लोन अपने अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग लाइबिलिटीज इनकी होती है। तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि सिक्योर्ड लोन कौन सा है और अनसिक्योर्ड लोन कौन सा है। सिक्योर्ड लोन का मतलब यह है कि आपने अपनी किसी चल अचल संपत्ति को बैंक के पास मॉर्गेज रखा हुआ है और बैंक ने आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए और आपकी प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति जो है उसकी वैल्यूएशन को देखते हुए आपको लोन दिया है। यानी कि कल यदि आप लोन नहीं भरते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और उसको ऑक्शन करके अपने पैसों की वसूली कर सकती है। वह तो हुआ सिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन, यहां यह भी सुन लीजिए, आपने प्लॉट पर लोन लिया है, मकान पर लोन लिया है, कार पर लोन लिया है, गोल्ड पर लोन लिया है, आपने बैंक एफडीआर पर लोन लिया है, ये सारे लोन जो है वह सिक्योर्ड लोन की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। वह लोन जो कि आपके बेस्ट सिविल स्कोर को देखते हुए आपके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आपको दिया गया है, चाहे वह पर्सनल लोन हो, चाहे वह बिजनेस लोन हो, चाहे वह क्रेडिट कार्ड लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ये सारे लोन जो है, ऐप लोन हो गए, ऑनलाइन लोन हो गए, ये सारे जो लोन है वह आते हैं अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में। सिक्योर्ड लोन को आपको बेटर रूप से यूं समझना पड़ेगा कि यदि आप नहीं भरोगे ना तो बैंक उससे निश्चित है वह आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके भी आपके उस पैसे को वसूल कर सकती है। इसीलिए आपको सिक्योर्ड लोन के मैटर में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपने घर पे लोन लिया है, घर में आपका परिवार रह रहा है, और यदि आप उस लोन को मैनेज नहीं कर पाए, कल घर सरफेसी एक्ट के अंतर्गत, कार्रवाई के अंतर्गत जब चला जाता है, उसका ऑक्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार को बेघर होना पड़ सकता है। इसीलिए मैं किसी भी व्यक्ति से कहूंगा, यदि आप होम लोन, मॉर्गेज लोन ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपने लोन का जो इंश्योरेंस है वो जरूर कराए, ताकि कल के बाद आप नहीं रहे ना तो उस बाकियात की अदायगी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाएगी और आपको उस लोन, आपके परिवार को बेघर नहीं होना पड़ेगा। तो सिक्योर्ड लोन के मैटर में आपको सावधानियां रखनी जरूरी है। सिक्योर्ड लोन में बैंक बिल्कुल निश्चिंत होती है, उसका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। यहां पर आपको एक बात यह भी समझनी है कि ऑनलाइन लोन, ऐप लोन और सिविल बेस्ड लोन क्या होते हैं। कई बार आप ये देखते हैं कि आपके अच्छे क्रेडिट कार्ड, सॉरी अच्छे सिविल स्कोर को देखते हुए बैंक आपको फोन करके, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि आपके मैटर में जो है वह एक अनसिक्योर्ड लोन हमने स्वीकृत किया है, प्री अप्रूव्ड लोन है, जिसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने या नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करना है, इतनी राशि का लोन मिल रहा है वह लोन ले लीजिए, इतनी उसकी किस्तें हैं। इस प्रकार से आपको जो लोन मिलता है वह ऑनलाइन लोन कहलाता है। ऐप लोन, यानी कि कोई आज की तारीख में कई ऐप आ गई है जो छोटे मोटे लोन के देने का काम करती है। आप उस ऐप पे गए, आपने उस ऐप को रजिस्टर्ड किया और रजिस्टर्ड करने के बाद आपने उस ऐप से लोन लिया, वह ऐप लोन कहलाया। अब सिविल बेस्ड लोन, यानी कि एक ऑफलाइन लोन भी होता है कि आपने पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के लिए आप बैंक गए, एनबीएफसी गए और आपने ऑफलाइन तरीके से आवेदन किया और आपने लोन ले लिया। या इन लोनों में जो अंतर होता है ना, वो अंतर क्या होता है? यदि आप ऑफलाइन तरीके से लोन लेंगे तो पॉसिबल है
कि वह आपके चेक लेंगे। लेकिन जब आप एप लोन लेंगे या फिर आप ऑनलाइन लोन लेंगे, वह आपके कोई चेक वगैरह उनके पास नहीं होते, वो केवल आपसे ऑटो डेबिट की परमिशन लेते हैं और हर महीने की किस्त आपकी कटती जाती है। इसके बाद एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, पैसा निकाल दिया। अब उसमें कोई आपने ऑटो डेबिट की परमिशन देनी रखी है, टाइम पूरा होता है और आप पैसा जमा करा देते हो, तो वहां पर न तो आपने ऑटो डेबिट की परमिशन दी है, न वहां पे आपके चेक है। क्रेडिट कार्ड जो मिला है वो आपको आपके अच्छे सिविल रिकॉर्ड और आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे मिला है। ये थोड़े अंतर आपको समझने पड़ेंगे ताकि उस चीज को आप समझ पाएंगे। तो यहां पर यदि आपको ऑनलाइन लोन मिला है, आपको ऐप लोन मिला है, या आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा स्वैप किया है, या क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड लोन लिया है, इन परिस्थितियों के अंदर कंपनी के पास केवल और केवल आपके ऑटो डेबिट की परमिशन है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की है, यहां पर कंपनी आपसे उस राशि की रिकवरी करने में अपने आप को बहुत ही कमजोर पाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जब आप इस लोन को नहीं भर पाते हो ना, तो आपके खिलाफ कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये लोन रिकॉल नोटिस भेजेंगे आपको बार बार कि लोन भर दो ऐसे नोटिस भेजेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आपके ऊपर सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो 138 की तर्ज पे चलता है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे, और उसके अंतर्गत भी ये एक ईएमआई के लिए एक ही मुकदमा कर सकते हैं। यू नहीं कि एक मुकदमा किया और सारे ईएमआई कवर हो गए, ऐसा नहीं होता, वो केवल एक ईएमआई के लिए होता है। यानी कि यदि आपके ऊपर मुकदमा हो भी गया, सेक्शन 25 का आपको कोर्ट का नोटिस आ भी गया और आप कोर्ट में अपियर होकर डे फर्स्ट यदि आप अपना जो ईएमआई अमाउंट है, केवल ईएमआई अमाउंट यदि आपको उसका डीडी बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी कहना क्लियर है कि पहली पेशी पर ही उसका निस्तारण हो जाता है। और दूसरी बात, ये कंप्लेंट केस है, हाथों हाथ बेल भी हो जाती है और मामले फिर चलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आती नहीं है। और एक तरीका इनके पास दूसरा होता है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं। अब आर्बिट्रेशन, अगर आप बूंदी के हो और चेन्नई का आर्बिट्रेशन का नोटिस मिले तो आप उस आर्बिट्रेशन को नकार सकते हो, उसका जवाब दे सकते हो, और यदि उस जवाब के आधार पर भी यदि आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पारित कर भी देता है तो वो कोर्ट में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। और अक्सर ऐसे मामले खारिज हुए हैं और इसके लिए भी कुछ जजमेंट्स हैं, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जजमेंट में यहाँ पे नोट कर रहा हूं कि मैं आपको अगले एक दो दिन के अंदर जितने भी वीडियो है कि जो मेनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिनके बेस पे आर्बिट्रेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा, अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वह सारे जजमेंट भी मैं आपके सामने पोस्ट करूंगा ताकि उससे आपको बेहतर जानकारी मिल पाए और आप अपने एरिया के अंदर जो एडवोकेट्स है उनको भी जानकारी दे पाओ कि वकील साहब ये केसेस है, इन केसेस के आधार पे आप इस आर्बिट्रेशन में अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अगर उन सारे केसेस जजमेंट के आधार पर यदि आप आर्बिट्रेशन का जवाब पेश करते हैं तो जो एग्जीक्यूशन होता है उसका जवाब पेश करते हैं हकरसी का, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं और वह आर्बिट्रेशन के एग्जीक्यूशन के लिए जो हकरसी लगाई गई है वह भी खारिज ही होगी। साथियों एक बात ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपकी स्थिति सक्षम है, आप मजबूत है, तो लोन का समय पर भुगतान करें। लेकिन लोन डिफॉल्ट किसे कहते हैं? आप किसी कारण से एक महीना लोन की अदायगी में चुक गए, दूसरे महीने चुक गए, तीन महीने चुक गए, आपका लोन एनपीए हो गया। अब एनपीए हो गया तो वह लोन डिफॉल्ट हो गया, इस चीज को समझना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं सर हमको लोन में सेटलमेंट करना, हम सेटलमेंट कैसे करें और सेटलमेंट के क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं? तो साथियों एक बार कह दूं मैं आपको कि केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन के अंदर ही बैंक सेटलमेंट करता है, और वह सेटलमेंट भी तब करेगा जब आपको डिफॉल्ट हुए लंबा टाइम हो चुका है। ये नहीं कि आपका लोन रेगुलर चल रहा है और आप बैंक के पास पहुंच गए कि मैंने आपसे 10 लाख का लोन लिया था, मैं आपकी लगातार 6 किस्तें भर चुका हूं, अब आपके 8 लाख रुपए बाकी है, आप ये लो 4 लाख रुपए जमा कर दो और मेरे लोन का सेटलमेंट कर दो। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब बैंक को पूरी तरीके से ये लग जाता है कि व्यक्ति की ईएमआई रेगुलर बाउंस हुई, व्यक्ति का सिविल स्कोर डाउन हो रहा है, हम इसको नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, हमने इसके आर्बिट्रेशन का भी नोटिस भेज दिया, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है देने की, ये नहीं दे सकता है, ऐसी स्थिति में ही सेटलमेंट का ऑप्शन आता है। और वहां पर सेटलमेंट
25% में भी होता है, 30% में भी होता है, 40% में भी होता है। तो साथियों एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लोन सेटलमेंट जो है ना वो अनसिक्योर्ड मैटर में होगा, और एक लंबे टाइम डिफॉल्ट अभी हो जाओगे तो बैंक आपको ऑफर करेगा भाई लोन सेटलमेंट कर लेते हैं। आप बैंक आपसे 10 लाख मांग रहा है, आप बता दीजिए मैं इतनी राशि पे करने में तैयार हूं, बैंक अगर एग्रीड है तो यू नहीं बैंक वालों ने कहते ठीक है 3 लाख जमा करा दो हम आपका लोन बंद करते हैं। जी बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले उनसे लोन सेंक्शन लेटर लो और लोन सेंक्शन लेटर को पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने एडवोकेट को दिखाओ। और हम हमेशा यही कहते हैं कि ये चीजें कभी भी एडवोकेट से वेरीफाई करानी चाहिए, और एडवोकेट भी वो जो इन चीजों की समझ रखता हो। यू नहीं आपने जाके किसी लॉ स्टूडेंट को दिखा दिया और उसने कह दिया हाँ भाई कर ले। एक व्यक्ति जिस मुझे व्यक्ति ने कहा कि सर मेरे गांव में एक वकील है, मैं हर चीज उससे पूछता हूं, और उसने ऐसा ऐसा कहा था। मैंने कहा भाई मुझे उससे बात तो कराओ कि उसने आपको गलत जानकारी कैसे दिए। और उस व्यक्ति से जब मैंने बात की तो मैंने पूछा वकील हो? हाँ सर मैं वकील हूं। तो मैंने उससे पूछा कहां प्रैक्टिस करते हो? सर ये क्या होता है? मैंने कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो? अरे सर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। मैं फिर वकील कैसे हो? अरे सर मेरा सरनेम वकील है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको एक्सपर्ट एडवोकेट से ओपिनियन लेनी है। अब वह एक्सपर्ट एडवोकेट आपके जो भी एरिया में है आप उनसे कांटेक्ट करें। हम प्रत्येक कॉल पर यही कहते हैं कि आपको नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि किसी आप ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट करते हैं तो उनसे बातचीत कीजिए, उनसे समाधान लीजिए, उनसे पूछिए। यदि आप ऑनलाइन हमसे भी कंसल्ट करना चाहो तो उसके लिए भी हमारा कॉल बुक का प्रोसेस है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। बिना कॉल बुक के आपको हमारी कॉल नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी मैटर में सजेशन देने के लिए पूरे लीगल नोटिस को पढ़ना होता है, पूरी स्टोरी सुननी होती है और अच्छी तरीके से सजेशन देना होता है। उसके बाद भी जब आपको दूसरी बार भी दिक्कत आती है, तीसरी बार भी दिक्कत आती है, पांचवी बार भी दिक्कत आती है, तो हमें आपकी बात को सुनकर हमें आपको एक फेयर सजेशन देना होता है। और ये संभव नहीं है कि बिना कॉल बुक के हम आपसे घंटों बात कर पाए और लंबी बात कर पाए, आपके डॉक्यूमेंट को रीड कर पाए। मैं ही नहीं कोई भी वकील, आप यदि सोचते हैं कि बिना कॉल बुक किए वो आपको लंबा टाइम देगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वकील का बिजी शेड्यूल होता है। वकील रात को भी अपनी दूसरे दिन आने वाली पेशियों की तैयारी करता है, फाइल में आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी करता है, नए केसेस को ड्राफ्ट करता है। तो आप ये मत सोचिए कि वह अपना समय इसी प्रकार निकाल पाएगा। ये बात जरूरी है कि कोई भी एडवोकेट हो इंडिया में कहीं का भी, जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आती है, जिसके बात करने का तरीका आपको समझ में आता है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं, उनकी फीस जमा करा के, ताकि अगली बार भी जब आप फोन करें तो वह आपसे और फीस की डिमांड ना करें, क्योंकि आपका नंबर उनके पास सेव हो चुका है, तो वह आपकी बात को तरीके से जवाब दे। एक अच्छा एडवोकेट आपको 1000 मुसीबतों से बाहर निकालता है। तो ये ध्यान रखें कि लोन सेटलमेंट लेटर बिना अपने एडवोकेट को पढ़ाए कोई भी पैसा जमा न कराए, और बिना लोन सेटलमेंट लेटर लिए यदि पैसा जमा कराते हो तो ये आपकी दिक्कत है, फंस जाओगे आप। तो लोन सेटलमेंट लेटर लेने के बाद भी उसमें ये देखना है कि उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसमें आपने 2 किस्तों का टाइम लिया है कि 3 किस्तों का टाइम लिया है, कितनी किस्तों का टाइम लिया हुआ है। और यदि आपने OTS किया है वन टाइम सेटलमेंट तो उसमें क्या तारीख दी है, उस तारीख से पहले आपको राशि जमा करानी है। मान लीजिए आपको तारीख दे दी कि भाई 30/9 तक 10 लाख रुपए का लोन है, आप 5 लाख रुपए जमा करा दो, आपका OTS में लोन सेटलमेंट हो जाएगा। और तारीख क्या थी 30/9 की, और आप पहुंचे 1 अक्टूबर को और पैसा बिना पूछे जमा करा दिया, या बिना लोन सेंक्शन लेटर नया लिए जमा करा दिया, तो आपका पैसा डूब गया। यानी कि वो पैसा आपकी मूल राशि में जमा हो गया और आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा, पैसा आपका अभी भी बाकी है जो आपको भरना ही पड़ेगा। तो यदि आप किस्तें करवाते हैं, वन टाइम सेटलमेंट कराते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, किस किस लोन में सेटलमेंट होगा, किस में नहीं होगा, खुला कहता हूं, जहां आपकी अचल संपत्ति मॉर्गेज है, यानी आपका मकान मॉर्गेज है, जहां आपके लोन की वैल्यू, लोन की राशि आपकी प्रॉपर्टी से कम है,
सपने में भी मत सोचना कि बैंक सेटलमेंट करेगा। छोटा मोटा ब्याज कम कर दिया, पेनल्टी वेवर कर दी, बड़ी बात है, बाकी नहीं करने वाले। आपका गोल्ड बड़ा है, गोल्ड की कीमत ज्यादा है, मत सोचना। कार लोन है, टू व्हीलर लोन है, मे बी पॉसिबल मूल राशि के अंदर या थोड़ा बहुत कम करके हो सकता है, लेकिन कोई संभावना नहीं। लेकिन आपका अनसिक्योर्ड लोन है, और तो बैंकों को लगता है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि हम वसूली कर पाए, और हम वसूली के लिए सिविल केस भी फाइल करेंगे ना, तो हमको कोर्ट केस के खर्चे उठाने हैं, वकील हायर करना है, आर्बिट्रेशन करेंगे तो आर्बिट्रेशन वालों को भी उनकी फीस देनी है, फिर आर्बिट्रेशन को एग्जीक्यूट कराना है उस व्यक्ति के एरिया में जाकर, यूनिक ऑर्डर होते ही पैसा आ गया, अवार्ड को एग्जीक्यूट कराना है तो वहां के वकील को फीस देनी है। उसके बाद तो कंपनियों की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि आर्बिट्रेशन के मामलों को धमाधम कोर्टें खारिज कर रही है। हर शहर की वाणिज्यिक न्यायालय कंटेंट देखती है कि मामला कहां का था, आर्बिट्रेशन क्या हुआ, खारिज। और ऐसे जजमेंट में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, वो वीडियो तो आप इंपोर्टेंट रूप से देखना, यदि आर्बिट्रेशन का मैटर हो ना तो उस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। तो केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन में आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो है लोन वो सेटलमेंट हो जाएगा। अब सेटलमेंट भी तब होगा जब लंबे समय से आप डिफॉल्ट हो चुके हो और बैंक को लग रहा है मेरी राशि डूबने वाली है। अब एक सवाल जो लोगों का अक्सर होता है वो ये होता है कि सर लोन नहीं भरने पर क्या FIR दर्ज होगी। अभी दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक कंपनी क्या कहूंगा, बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, मेरे पास नोटिस पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप आया था, उस बंदे ने SP ऑफिस के नाम पे लेटर जारी किया और लिखा कि इस व्यक्ति ने हमसे लोन लिया है, इसने धारा 420 406 के अंतर्गत अपराध किया है, इसको दंडित किया जाए, ये हमारा लोन नहीं भर रहा है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया था कि एसपी साहब अब लोन की वसूली करेंगे, और किया भी किसने, लीगल फर्म के नाम ऊपर कंपनी का लीगल फर्म का नाम लिखा हुआ था, एप्लीकेशन बना दी 21/8 का लेटर और बंदे को कर दिया व्हाट्सएप बंद। अब उनको यह मालूम नहीं कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति किसी न किसी वकील के टच में, ऊपर से वो इंसान मेरे एरिया का नाम मुझे भेज दिया, मुझे तो बड़ी हंसी आई और ताज्जुब हुआ उनकी बुद्धि पर कि उन्होंने कैसे कैसे लीगल फर्म हायर कर रखी। साथियों मैं एक बात बता दूं, किसी भी कंपनी में ना एडवोकेट काम नहीं करते, एडवोकेट वो होता है जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है, पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में पैर भी करता है, यदि उन्होंने रखे भी होंगे तो लो ग्रेजुएट पर्सन को अपने यहां पर नौकरी दी होगी और कुछ भी नहीं। अब उनको यह भी मालूम नहीं कि 420 406 भारतीय दंड संहिता की धारा इतिहास हो चुकी है, लेकिन उनके दिमाग से ये बातें जा ही नहीं रही है, क्योंकि उनको 420 की जगह नई धारा कौन सी आई है उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पहला का एक फिक्स फॉर्मेट है वो बना दिया। अब एसपी साहब को कंप्लेंट कर रहा है खुद वकील साहब कि भाई ये कंप्लेंट है, इसके खिलाफ FIR दर्ज करो और इस मैटर में आप कंपनी के ये अधिकारी है इनसे संपर्क करो, करके आप जानकारी ले सकते हो, मतलब एसपी साहब फोन करके या थाने वाले फोन करके, हाँ भाई आपके वकील साहब ने एक रिपोर्ट भेजी थी, कंप्लेंट है आपकी, बताइए आप क्या करना है, मैं उनको उठा के ले आऊं, क्या वसूली एजेंट समझ रखा है पुलिस डिपार्टमेंट को। तो ये क्या करते हैं कि उनका बना के मैटर आपको भेज देते हैं और आपके ऊपर एक इलीगल प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इसी डर से कई लोग गलत कदम तक उठाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप एक काम कर लीजिए, यदि आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर है ना, किसी एक एडवोकेट को जो भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उसको हायर कर लीजिए, उनसे खुली बात कर लीजिए, सर मेरे बहुत सारे लोन है, मैं आपसे सलाह मशवरा करता रहूंगा, आपकी कितनी फीस है मैं जमा करा देता हूं, मेरा नंबर सेव कर लो, मुझे जब भी कोई लीगल नोटिस आता है कोई बात होती है तो मैं आपको किस टाइम फोन करूं, उनसे फोन किया करो और सलाह लिया करो। कारण ये होता है कि आप महीने की 25-30-50 हजार लाख रुपए 1.5-2 लाख 5 लाख की EMI भर रहे हो, वहां यदि किसी वकील ने आपको 2,000, 5,000 या 10,000 रुपए की फीस बता के आपको ये विश्वास दिला दिया भाई साल भर आपका जो भी मामला हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करते रहे ना, मैं आपको सजेशन देता रहूंगा, तो आप कितनी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकल रहे हो, कितने बड़े तनावों से बाहर निकल रहे हो। और दूसरी बात ये सोचते हो कि कोई व्यक्ति आपको बिना कोई चार्जेस किए पे किए आपको नोटिसों को पढ़ेगा, आपको जानकारी देगा, तो उस व्यक्ति के अपने अपने काम भी होते हैं, वो पॉसिबल किसी भी एडवोकेट के लिए नहीं रहेगा।
मैंने आपको बताया कि उन्होंने नोटिस भेजा एसपी साहब को और बंदे को भेज दिया। अब एसपी साहब ने थाने भेजा, थाने से आज तक पार्टी को फोन नहीं आया। मतलब वो खुद जानते हैं कि यदि पुलिस को नोटिस भेजेंगे, पुलिस पहले हमको फोन करके बुलाएगी, भाई बयान देने के लिए पहले तुम आ जाओ, सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। हमारे यहाँ पर पहले परिवादी को साबित करना पड़ता है, कंप्लेनेंट को साबित करना पड़ता है कि आई एम राइट। और आई एम राइट के लिए अगर मान लो किसी व्यक्ति ने दिल्ली से नोटिस भेजा है या कोई लेटर एसपी साहब को भेज दिया है तो ये कोई काम नहीं हुआ, उसको भी उस पुलिस थाने उपस्थित होना है, हाथ बांध के बैठे रहना है और जवाब देना है जो सवाल पुलिस पूछे, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है। और भारतीय न्याय संहिता में तो क्लियरली है कि पुलिस के पास ये पावर है कि 14 दिन तक किसी मामले को परिवाद के रूप में रख सकती है और फिर उन्होंने जांच करेंगे और लगा कि एफआईआर दर्ज करनी है तो करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट की हाल की वर्डिक्ट सुनी होगी कि लोग रोड पे आएंगे तब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी क्या? यानी कि जहां मतलब हैवी या कहो कि ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं जहां वास्तव में अपराध घटित हुआ दिख जाता है वहां एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो इन एनबीएफसी वाले के कंपनियों के वकीलों के नाम पर कोई लेटर भेजेंगे और वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जितने भी आपको लेटर आते हैं ना, ये सारे फेक लेटर होते हैं और वकील के नाम का पूरी तरीके से मिसयूज करते हैं, गलत यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। अनसिक्योर्ड लोन में अब बैंक क्या कार्रवाई कर सकती है? पहले तो ये फर्जी नोटिस बता दिया मैंने, अब ये फर्जी नोटिस कोर्ट के भी बना देते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि सीबीआई और ईडी तक के फर्जी नोटिस अखबारों में पब्लिश हुए थे, तो ये इनको फर्जी नोटिस बनाने में जाता क्या है? बनाओ चिपकाओ, बनाओ चिपकाओ, बनाओ चिपकाओ। और ध्यान रखना व्हाट्सएप पे ऐसा कोई नोटिस भेज दिया ना, कोई तामिल की श्रेणी में नहीं आता है। माना हमने कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस चीज को लिया गया है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोविजनल मैंडेटरी किए गए और वो प्रोविजनल मैंडेटरी प्रोविजन जो है उनका पालन किसी भी रूप से इन एनबीएफसी कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है। हम सब आगे की बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन के अंदर पहले हम बात करते हैं सिक्योर्ड लोन में वसूली के लिए क्या कार्रवाई होती है। साहब सिक्योर्ड लोन में आजकल प्रॉपर्टी के मैटर में बड़ा टफ मामला है, डायरेक्ट सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है। आपने जवाब दिया तो जवाब का जवाब उल जवाब आ जाएगा, 13-4 की कार्रवाई होगी, प्रॉपर्टी एनबीएफसी अपने पजेशन में लेगी, प्रॉपर्टी ऑक्शन कर देगी। जब भी आपको 13-2 का नोटिस आता है ना, इग्नोर नहीं करना है साहब, नजदीकी वकील से तुरंत मिलो। उस समय तो हमको भी फोन मत करो, हम खुला कहते हैं, जब 13-2 का नोटिस आता है ना सीधे नजदीकी वकील से मिलो और हो सकता है बैंक से बात करके सेटल करो, और नहीं होता है तो डीआरटी कोर्ट की तरफ जाओ। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हर राज्य के अंदर है, संबंधित हाईकोर्ट में भी आप जा सकते हैं, नहीं तो मकान हाथ से चला जाएगा। सिक्योर्ड लोन में सावधान रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि बैंकों को एक बड़ा हथियार मिल गया है सरफेसी एक्ट के रूप में जो जिनका वो यूज करती है। लेकिन बात जब अनसिक्योर्ड लोन की करें तो अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहले बाउंस हुआ तो आपको रिकवरी एजेंट फोन करके धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी में बात करते हैं और आप हैरान परेशान होते रहते हो कि सर वो मुझे बड़ी गालियां दे रहा है, बदतमीजी बात कर रहा है। तो आपके मुंह में भी दही है क्या? अगर उसने शुरू किया ना तो आप भी शुरू करो ना। अरे भाई उनके पास जो काम कर रहे हैं ना वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं क्या जो कि रिकवरी एजेंट बन गए हैं, तो वो उनका एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो आप भी आ जाओ अपनी देशी पे। और वो गालियां कौन सी गालियां मैं नहीं बोलूंगा, शुरू हो जाओ 12 बजा दो, लेकिन कोई रिकवरी एजेंट प्यार से तसल्ली से बात कर रहा है ना तो उससे तसल्ली से बात करो। अगर आपके घर पे आके धमका रहा है, उल्टी बात कर रहा है ना, आपके पास फोन है ना, ये हथियार है आपका, सीधा कैमरा ऑन करो, सवाल पूछते लग जाओ, कौन सी बैंक से आए हो, आपके पास डीआरए का लाइसेंस है क्या, आपके पास होम विजिट या ऑफिस विजिट का लेटर है क्या, बताइए हमको किस अधिकार से आए हो आप, बोलती बंद हो जाएगी। और ज्यादा कुछ करे ना तो उसके बोलते बोलते वीडियो बना के हमको भेज देना, आगे का पोस्टमार्टम उसका हम कर लेंगे, अच्छा वीडियो बनाओ, अच्छा पोस्टमार्टम करेंगे। दूसरी बार बंदा घर पे नहीं आएगा। इसके बाद भी यदि वो आके आपको हैरान परेशान कर रहा है और बहुत ज्यादा आपके कहने पे भी नहीं मान रहा है ना, आपके हाथ में फोन है 100 या 112 नंबर जो भी आपके वहां का है, सीधा पुलिस कंट्रोल रूम फोन लगाओ। अपने घर के अंदर जब घर के अंदर घुस के यदि वो तोड़फोड़ करता है, मटका फोड़ता है, जो भी है, दो शब्दों में कह रहा हूं,
आप पुलिस को फोन करो कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से आया है और आपके घर में बैठकर घुसकर न्यूसेंस कारित कर रहा है, पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी। उस समय आप ये मत सोचो कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। मैंने पहले ही कहा है परिवार वालों को विश्वास में ले लो। दूसरी बात, यदि आप घर पे नहीं हो और आपके गैर मौजूदगी में लोन आपने लिया है और वो आपके बीवी बच्चों को आके परेशान कर रहे हैं ना, क्या तो बीवी को कहो अगर बदतमीजी से कोई बात करे ना तो घर के अंदर से झाड़ू लेके बाहर निकलना, भागते न जाएंगे भागते, क्योंकि इंसान जो भी डरता है ना उसको और भी डराया जाता है। लेकिन जब झाड़ू लेके बाहर निकलेंगे ना भागते नजर आएंगे, ये ध्यान रखना। और महिलाओं के सामने तो किसकी मजाल है कि रिकवरी का तुर्रम खान क्यों नहीं हो, भागता नजर आएगा। तो साथियों, परिवार वालों को विश्वास में लेना पड़ेगा। और आपके घर पे आप नहीं हो तो कोई अधिकार नहीं है उसका, और इसके बावजूद भी वो आपके कार्यस्थल और बार बार घर पे आ रहे हैं ना, आप उनको पाबंद करवा सकते हो, पाबंद करने की कार्रवाई कर सकते हो, कंपनी को लीगल नोटिस भेज सकते हो आपके घर पे नहीं आए रिकवरी एजेंट, करना है कानूनी कार्रवाई करो। अब दूसरी बात यह होती है कि कई बार रिकवरी एजेंट से काम नहीं हुआ, फिर फोन आता है कि मैं वकील बोल रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, तुम तुरंत लोन भर लो। उस समय आप प्यार से बात करते हो, एक दो दिन का टाइम मांगते हो, तो वो दो दिन बाद वापस फोन करके आपको डराने धमकाने का काम शुरू करते हैं। वकील किसी के बाप का नौकर नहीं है, वकील वो होता है जिसने 3 साल कॉलेज के अंदर विधि की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद AIB का एग्जाम पास किया है, उसके बाद 5-10 साल अपने जूते घिसे हैं कोर्ट के अंदर, तब जाके बना है वो एक एडवोकेट जो पक्षकारों की ओर से पैरवी करता है। वो किसी का दल्ला नहीं है कि फोन करके राशि वसूली करे, वो उनका एम्प्लॉय हो सकता है, कोई वकील एडवोकेट नहीं हो सकता है। ये बात आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। तो रिकवरी एजेंट हो, वकील हो या पुलिस के नाम से फोन आए, आपकी गलती क्या होती है, आप ना कहना सीखो। अगर आपके पैसा नहीं है, आपको लगता है 6 महीने पैसा नहीं आने वाला, कह दो मैं 6 महीने नहीं भर सकता हूं भाई, तुमको जो करना है कर लो, FIR करनी है अभी करो, झगड़ा करना है अभी करो, अरेस्ट करना है अभी करो। एक क्राइम ब्रांच के नाम से फोन आता है, पुलिस थानों के नाम से फोन आता है, खुद को SHO बताते हैं कि कंपनी के वकील साहब ने फाइल दी है, मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं, तुमको गिरफ्तार करने आ रहा हूं, अर्जेंट वकील साहब से बात करो, और थोड़ी देर में आप वकील साहब से बात करते हो। अरे भाई, कौन से वकील, कौन से पुलिस, ये टोटल फर्जी है, टोटल फर्जी। अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे ये DP लगाते हैं पुलिस की ड्रेस में, यदि कॉल भी करोगे तो पीछे का एक माहौल बनाया होता है पुलिस वाला, कहीं पर गाड़ी के सायरन की मोबाइल में आवाजें शुरू कर देते हैं, आपको लग जाए सच में पुलिस है। आपको एक बात कहूं, इन लोगों के व्हाट्सएप कॉल मत उठाओ, क्योंकि इन लोगों की जो दादागिरी बढ़ती है ना वो व्हाट्सएप कॉल पे बढ़ती है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड होता नहीं है, उसका एविडेंस होता नहीं है इसीलिए। और आप प्रत्येक फोन, अगर आप लोन डिफॉल्टर है ना, तो रिकॉर्डिंग मोड पे डालिए, ये आपको दिक्कतें आएगी नहीं जब, क्योंकि जब कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो उनको मैसेज जाएगा आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, बोलने वाला खुद ब खुद लहजे में आ जाता है। इसके बाद एक बात आती है कि लोन नहीं भरा तो कितने साल की जेल होगी। तो साथियों, जेल कब होती है, या तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हो तो FIR कब दर्ज होगी, जब आपने लोन लेने के लिए गलत आधार कार्ड दिया, गलत चेक दिया, गलत बैंक खाता दिया, गलत जानकारी दी। FIR दर्ज कराना लोन के मैटर में इतना आसान नहीं है, और नई पुलिस इस मैटर में FIR दर्ज करती है, यदि किसी कारण से कर भी दी तो सिविल नेचर बताकर उसको क्लॉस कर दिया जाता है, FIR दे दी जाती है। इसलिए इस चीज से तो आप डरे ही नहीं। अब दूसरी बात कि लोन नहीं भरना, विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो तो कोई क्राइम भी नहीं है, भाई आर्थिक हालात खराब चले तो नहीं भर पाए। हिंदुस्तान के महानायक अमिताभ बच्चन का जब बुरा वक्त आया, धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी पर जब समय बुरा आया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारियों को जब देश छोड़ के भागना पड़ा, तो आप और हम किस खेत की बोली है, किस खेत की बोली है। तो इसलिए इस चीज की परवाह न करें, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आपका इंटेंशन लोन को डुबाने का नहीं है, और किन्हीं विषम आर्थिक परिस्थिति और हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो वह लोन डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। रही बात कितने साल की जेल होगी, अब करते क्या है, सेक्शन 25 का मुकदमा करते हैं। अब सेक्शन 25 के मुकदमे में आप उपस्थित हुए, एक किस्त भर्ती, बात खत्म, कहां से जेल हो जाएगी।
आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे, आप चैलेंज कर लेंगे। और देश का कानून है कि नीचे की कोर्ट के बाद ऊपर 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 कोर्टें हैं, यहां लंबे समय तक मामले चलते रहते हैं। यदि किसी लोन के मैटर में कोई 138 का केस हो भी गया ना, तो जब तक उसकी ट्रायल चलेगी ना, तब तक तो आप पैसों की व्यवस्था कर लेंगे। और कोई भी बैंक कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है, वो चाहती है केवल अपना डूबा पैसा वापस प्राप्त करना, चाहे वो येन केन प्रकार सावधान दंड भेद किसी भी नीति से, उनको चाहिए अपना डूबा पैसा। इसलिए अपने दिमाग से ये बात तो आप निकाल दीजिए कि बैंक आपको जेल भेजना चाहिए। कोई जेल नहीं होती है, कोई जेल नहीं होती। इस बात को दिमाग से निकाल दो। सिविल केस भी होगा तो उसको भी आप लीड करेंगे, एग्जीक्यूशन तक लीड कर सकते हो। कोई तुरंत उठा के आपको जेल में नहीं भेज देगा। दूसरी बात है कि लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई। हमेशा से एक बात कहते हैं, आप जब भी लोन लेना उस लोन का इंश्योरेंस कराएं, ताकि यदि आप नहीं रहे और कोई ऐसी घटना हो गई ना, तो उस लोन राशि की पूरी अदायगी की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है, आपके माथे कोई जिम्मेदारी। लेकिन यहां पर यदि सिक्योर्ड लोन है और पार्टी की डेथ हो गई ना, और आप पीछे वारिसों ने नहीं भरा, तो बैंक उस पैसे को रिकवर करने के लिए अपनी कार्रवाई करेगी और प्रॉपर्टी को ऑक्शन भी करेगी। लेकिन ये सिक्योर्ड लोन है और सिक्योर्ड लोन में घर का कोई व्यक्ति गारंटर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपका कुछ भी, एनडीएफसी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि उसको राशि वसूली करने की कार्रवाई करनी, तो वसूली भी तब कर पाएगी जब उस मरने वाले इंसान से आपने कोई संपत्ति प्राप्त की, और ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। यदि अनसिक्योर्ड लोन की कंडीशन में यदि लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है, तो पैसा आप डूबा हुआ ही मान के चले, और ऐसे मामले में कोई नोटिस आए तो उसका कोई जवाब न देते हुए एडवोकेट से सजेशन जरूर लें। लोन कब माफ हो जाए, ये बात बहुत है कि देश में लोन माफी की बहुत बातें चलती है। आपने कोई भी लोन लिया है, कोई भी लोन, यदि आपने लोन पे इंश्योरेंस करवा रखा है और आपकी डेथ हो गई, लोन माफ हो जाएगा। यदि आपने खेती बाड़ी पे कोई लोन लिया है और सरकार की कोई स्कीम निकली है, तो लोन माफ होगा। यदि आपने लोन लिया है और इंश्योरेंस लिया, और इंश्योरेंस में ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन लिखी है कि आपकी 70%, 80% या 100% डिसेबिलिटी हो गई, तो वो लोन माफ हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचे कि यूं ही लोन माफ हो जाए, तो वो नहीं होता है। चाहे आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाओ, मुख्यमंत्री कार्यालय जाओ, किसी कोर्ट जाओ, लोन यूं ही माफ नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक सवाल अक्सर आता है कि सर हमने लोन लिया और लोन लेने के बाद हमारे घर का एड्रेस चेंज हो गया, हमने मोबाइल नंबर बदल दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका अनसिक्योर्ड लोन है, आपने एड्रेस बदल दिया, आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, किन्हीं परिस्थितियों के तहत कर दिया, तो आप कर क्या सकते हैं? अब आप और तनाव से मुक्त हो गए ना, तो आपको रिकवरी वालों के फोन आएंगे ना, आपको नोटिस आएंगे, क्योंकि नोटिस तो उसी जगह जाके वापस चले गए। और यदि कोई कार्रवाई हुई, भविष्य में आपको जानकारी मिली, तो उस समय एक लंबा अंतर हो जाता है। अनसिक्योर्ड लोन है, चाहोगे उस अमाउंट पे सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर आती है कि जो ऐप लोन लेते हो, उसमें आपके कॉन्टेक्ट को एक्सेस कर लिया जाता है। ये क्लिप बना के अपने परिवारजन, रिश्तेदार, मित्रों को भेज देना, इसको अलग से क्लिप बना देना। जब आपने लोन लिया ना, तो आपके फोन के कॉन्टेक्ट बुक को एक्सेस किया उस लोन एप्लीकेशन से, तो आपने किसी का नाम बॉस से सेव कर रखा है, किसी का नाम वाइफ, किसी का बेटा, किसी का भाई, मम्मी पापा, जानू, जो भी नंबर आपने सेव कर रखा है, अब वो लोग उन लोगों को फोन करना शुरू कर देते हैं, भाई इस व्यक्ति ने लोन लिया है, इस व्यक्ति का नंबर बदल गया है, या इसने नंबर स्विच ऑफ कर लिया है क्या, और इस लोन में आपकी गारंटी थी। अब वो लोग अगर जिम्मेदारी से बात करेंगे ना, तो वो उस आदमी को बार बार फोन करेंगे। अब वो आदमी अगर एक शब्द में कह देना, उस आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा खुद का झगड़ा है, मुझसे बात मत करो, मेरे बेटे को मैंने घर से निकाल दिया, वो आदमी मर गया, या आज के बाद मुझे फोन मत करना, और जो भी नंबर इसको ब्लॉक कर दिया, बात खत्म। उस आदमी को कोई हैरान परेशान नहीं करेंगे, जितने नंबर चाहे ब्लॉक करते जाए, फटकार लगा दे, पुलिस थाने में कंप्लेंट डाल दे उसके खिलाफ, बंद। तो आपके परिवार के कॉन्टेक्ट एक्सेस और इस तरह के फोन आते हैं ना, ये सजेशन आप दे देना। कहने से तो कोई मर नहीं जाता। एक ये होता है
कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लोन की वसूली के लिए फर्जी नोटिस पुलिस के भी आते हैं, वकील के भी आते हैं, और उसको पहचानने के लिए कि ये नोटिस असली है या नकली है, आपको एक ऑनलाइन एडवोकेट हायर करना ही पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, वो नोटिस पढ़ेंगे और बताएंगे सही क्या है, झूठ क्या है। एक बार यूपी की बात है कि हमारे उदयपुर के एक एड्रेस से एक वकील साहब का नोटिस गया कि तुम्हारे खिलाफ इन धाराओं के अंदर FIR दर्ज है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अर्जेंट पैसा जमा कराओ, नोटिस मिलते ही 7 दिन के अंदर। और वो डाटा एंट्री फ्रॉड का मैटर था, ये भी नहीं था कोई लोन लिया था, डाटा एंट्री फ्रॉड का मैटर था। बंदे ने मुझे नोटिस भेजा, मैंने उस नोटिस को देखा, मैं बड़ा शॉक्ड हुआ क्योंकि हम तो एक नजर पहचान लेते हैं, और ऊपर जो एड्रेस लिखा था वह एक ऐसा एड्रेस लिखा था जो कि उदयपुर में अस्तित्व में ही नहीं है, ना हमारे बार एसोसिएशन के अंदर वो एडवोकेट रजिस्टर्ड है। हमने उस नंबर पे वो नोटिस वापस व्हाट्सएप करके कॉल किया कि वकील साहब आपको बात करनी है, बता मैं कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ उदयपुर राजस्थान से, और आपने उदयपुर का एड्रेस लिखा है, मिलना मुझे आपसे, मेरा नंबर ब्लॉक, और वो डाटा एंट्री वाले बच्चे मासूम जो 20-22 साल की उम्र के थे ना, वो तनावों से बच गए। अगर वो देख रहे होंगे मेरा वीडियो तो जरूर कमेंट्स करेंगे कि उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो साथियों, आप अपने लोकल एडवोकेट से भी मिल सकते हो, ऑनलाइन एडवोकेट भी हायर कर सकते हो, लेकिन करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि जनहित में कोई भी व्यक्ति आपके फोन पर घंटों बात करेगा, आपको सजेशन देगा, इसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, इतना काफी है। रिकवरी गुंडे धमकाए, बदमाश करे, परेशानी करे, वीडियो बनाओ, 112-100 नंबर पे फोन करो, भागते नजर आएंगे। थोड़ा मजबूत तो बनना पड़ेगा, यदि आप ढीले बने रहेंगे ना आपको डराएंगे, लेकिन छाती चौड़ी करके और आंखें निकाल के देखोगे ना भागते नजर आएंगे। रिकवरी एजेंट वो जमाना चला गया जब युद्ध करने के लिए भीम गदा लेके आता था तो सारे महारथी भाग जाते थे, आज की तारीख में कानून का डर है, कानून को फोन लगाया भागते नजर आएंगे सब। सेक्शन 25-138 NI Act, कोई डरने की जरूरत नहीं है, नोटिस आए नोटिस का जवाब दो, एडवोकेट से बात करो, पहली पेशी पे निपटा सकते हो, कैसे निपटाओगे उसके बारे में लंबी आपको सलाह दे देंगे। आर्बिट्रेशन का नोटिस बता दिया है और 2-4 दिन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 10-12 आपको ऐसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट बताऊंगा कि आर्बिट्रेशन खत्म, ठीक है, कोई चिंता की बात करने की जरूरत नहीं है। बेटे के लोन की बाप से वसूली, अब किसी बेटे ने लोन लिया, रिकवरी वाले एजेंट जाके बाप से, नहीं बेटा तुम्हारा पैसा देना पड़ेगा, बेटे के लिए कोई बाप जिम्मेदार नहीं है, पत्नी ने लोन लिया पति जिम्मेदार नहीं, पति ने लोन लिया पत्नी जिम्मेदार नहीं है, यदि उन्होंने गारंटी नहीं दी है लोन में तो। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कह रहा हूं निश्चिंत हो जाओ, कोई आपका बाल वाका नहीं कर सकता है। दूसरी बात, बार बार फोन करके परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, ब्लॉक कर दो, एक नंबर से करे, 2 नंबर से करे, 5 नंबर से करे, 10 नंबर से करे, 25 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, 300 नंबर, कितने मोबाइल नंबर होंगे, फोन आया सुना ब्लॉक, फोन आया सुना ब्लॉक, हैरान परेशान कर रहे हैं ना, यही तरीका, ब्लॉक करते जाओ, आपको क्या टेंशन है, खत्म टेंशन उनको। अगर ढंग से बात करें तो करे, हमारा कभी ये कहना नहीं है कि लोन डिफॉल्ट करो, लोन मत भरो, ज्यादा परेशान करते पुलिस कार्रवाई करो। सरफेसी एक्ट का नोटिस आया तो सावधान रहना, मैं ये सारी बातें उसमें नहीं कह रहा हूं, मन में गलत विचार आ रहे हैं लोन नहीं भर सकता हूं और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, तो खुला कहता हूं साथियों गलत विचार है, अभी आप हो तो लड़ लोगे, कल आपके परिवार को परेशान करेंगे, इसके लिए अच्छे एडवोकेट से सजेशन लो, नॉर्मल कंसल्टेंसी फीस जो देनी पड़े दो, मन के सारे गलत ख्याल दूर हो जाएंगे। मुझे याद आती है जोधपुर के एक व्यापारी और हमारे उदयपुर के एक व्यापारी जिनके ऊपर करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का लोन हो गया था, वह रोती हुई कंडीशन में हमारे ऑफिस आए और कहा कि मैं बहुत बड़े चक्रों में फंस गया हूं, करूं तो क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानना साथियों, 1.5 साल हो गया है लोन की एक EMI नहीं भरी, अब एक सेटल करते जा रहे मामूली मामूली कीमत पे, वो कॉन्फिडेंस वो हिम्मत थी कि उन्होंने अपने व्यापार को वापस शुरू किया और एक एक को निपटाते जा रहे। लेकिन आप ये सोचते हो मेरी सिविल भी सही रहे, मुझे भविष्य में लोन भी मिल जाए और मैं डिफॉल्टर भी हो जाऊं, तो दो ही हाथ है, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखे जाते। लोन के कारण दुखी हो,
लोन के कारण आत्महत्या का सोच रहे हो, जीवन समाप्त करने का सोच रहे हो और फिर भी लोन लेने की सोच रहे हो, तो आप किसी से संपर्क नहीं करें अगर ऐसा है तो। मल्टीपल लोन में फंसे हैं, चलिए इस मुद्दे पे बात करता हूं, मैं अंतिम मुद्दा बनाऊंगा मल्टीपल लोन को। विदेश जाने में दिक्कत आएगी, सर मैं लोन डिफॉल्टर हूं, मेरे खिलाफ 138 सेक्शन 25 के आर्बिट्रेशन के लिए सारे मामले हो गए, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। मैं विदेश जाना चाहता हूं, जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, आपके पासपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां जाना चाह सकते हो, आपके पासपोर्ट पे कोई इश्यू इससे आने वाला नहीं है। लोन माफ कब होगा बता चुका हूं, कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोन के गारंटर है, आपने अपने चेक दे रखे और सिक्योर्ड लोन के गारंटर है, उसमें अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी दे रखे, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। सरफेसी एक्ट बहुत मजबूत है, गारंटरों की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टियां चली गई है, सावधान रहने की जरूरत है। गारंटी किसी को अपना ब्लड दे देना, अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे देना, घर में 8 दिन मेहमान रख लेना, नगद पैसा दे देना, पर गारंटर बनने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि वो अगर गया तो भुगतना आपको है। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में भी आपने चेक दिया है और उसका गारंटर बने, मामला खटाई में पड़ सकता है भाई, सावधान रहना। एक सलाह दूंगा, यदि आप लोन के डिफॉल्ट मैटर में हो ना, तो व्हाट्सएप से दूर रहो, और ज्यादा परेशान हो रहे हो तो फोन पे डू नॉट डिस्टर्ब शुरू कर दो, DND, कोई तनाव नहीं आएगा आपको। एक महत्वपूर्ण सलाह, यूट्यूब पे कई चैनल है, कई लोग मुझे फोन करते हैं, सर आप लोन सेटलमेंट करवाओगे तो कितने परसेंट फीस लोगे? मैंने बताया उनको, मैं लोन सेटलमेंट कराऊंगा तो मैं 1 रुपया भी फीस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लोन सेटलमेंट करवाता ही नहीं, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं। अरे लोन सेटलमेंट करने केवल बैंक और ग्राहक के बीच का है, आप डिफॉल्ट हुए आपस में बातचीत होगी, ऑटोमेटिक लोन सेटलमेंट होता है, उसमें किसी की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट अपनी कंसल्टेंसी की फीस लेता है, अपने लीगल काम करने की फीस लेता है, लोन सेटलमेंट कराना कोई लीगल वर्क में नहीं आता है, इस बात से दूर रहिए साथियों। एक होता है कितने लीगल नोटिस आने के बाद केस होता है, साथियों हमको आदत पड़ गई है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि कंपनी वाला फोन करता, बड़ा फनी वीडियो है, मैं चैनल का नाम भूल गया हूं, वो लोन वसूली के मैटर में, सॉरी साथियों पानी लूंगा, लोन वसूली के मैटर में उनके बड़े अच्छे वीडियो बनते हैं। लोन वसूली के मैटर में उनके काफी अच्छे वीडियो बनते हैं, वो फोन करके क्लाइंट को कहते हैं राम जी आपके पैसे जमा नहीं हुए, किस्त तो जमा करो। सामने वाला कहता है 100 फोन कर दिए तुमने, मैंने कह दिया तुमको पैसा नहीं है मेरे पास, हम लीगल कार्रवाई करेंगे, नोटिस भेजेंगे, तो जल्दी भेजो, मैंने अभी 80 रुपए की रद्दी बेच के आया। बस ये गलती नहीं करनी है। आपके कितने भी लोन ले रखे, मल्टीपल लोन ले रखे, आप प्रत्येक नोटिस को पढ़ो कि कब कौन सा नोटिस कानूनी कार्रवाई का हो सकता है, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कब आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए लीगल नोटिस, चाहे वो बैंक की तरफ से आए, एडवोकेट की तरफ से आए, कोर्ट की तरफ से आए, पढ़ना है और जरूरत हो तो जवाब देना है। और ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, एक एडवोकेट आपको चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाए। तो साथियों इस चीज का ध्यान रखिए, कितने लीगल नोटिस के बाद केस होता है, तो इस चीज पे मत जाओ। सेक्शन 25 का एक लीगल नोटिस आएगा, केस फाइल हो जाएगा, 138 का एक नोटिस आएगा, केस फाइल हो जाएगा, रिकवरी सूट का एक नोटिस आएगा, केस फाइल हो जाएगा, ये बातें नहीं कही जा सकती है। सरफेसी एक्ट का एक नोटिस आया, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों पर मत रहना, नोटिस के टाइप समझना, असल नोटिस फर्जी नोटिस को समझना है, उसके लिए एक एडवोकेट, यदि आप मल्टीपल लोन में फंसे हो ना, एक अच्छी फीस देके एक ऑनलाइन एडवोकेट को या अपने लोकल एडवोकेट को हायर कर लो। फीस देने का मतलब ये कि अगर आपने फीस पे की है ना, तो बंदा आपको सजेशन देगा अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा जो इन बातों को समझ पाता है, जो लीगल एक्सपर्ट हो फाइनेंशियल सेक्टर का, जो आपको ये गाइड कर पाए।
साथियों, वीडियो आज लंबा हो गया है, लेकिन ये वीडियो आज लंबा इसलिए हुआ है ताकि मैं आपसे कह सकूं, जब भी आप फोन करो कि सर मेरा सवाल कुछ और था, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूं, भाई ये वीडियो सुन लो, इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी है, और फिर भी आपको जानकारी आपको लगता है बात करनी है ना, तो फिर पेड कंसल्टेंसी ले लीजिए, कॉल बुक करा दीजिए, आपको फोन आ जाएगा, आपको पूरी तरीके से तसल्ली से बात की जाएगी, बाकी डायरेक्ट बात नहीं हो पाएगी, और इस जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उसी नंबर पर आपका कॉल बुक होगा, और कॉल भी आएगा तो शाम को 6 बजे बाद आएगा, उससे बातचीत करने से पहले यदि कॉल बुक करा दिए तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि दोहराने कॉल आपके व्हाट्सअप को देखते हुए आपको सजेशन दिया जाएगा, और आप जो जो भी बात कॉल बुक करके हमको करना चाहते हैं, आपके 50 प्रश्न 100 प्रश्न जितने भी है कागज पर बना के रख लीजिए, आपको हर चीज का सवाल का जवाब मिलेगा। कॉल बुक का मतलब यह है कि यदि आपने आज बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में बात नहीं कर सकते हो, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार मैक्सिमम आप हमें फोन करके आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, और हमारे द्वारा एक जेन्युइन सजेशन दिया जाएगा जो आपको सारी मुसीबतों से बाहर निकालने में सक्षम होगा। साथ ही एक बात तो मैंने पहले कही है कि ना कहना सीखिए, यदि आप भरने की स्थिति में नहीं हो तो आप 2 दिन में भर दूंगा, 3 दिन में भर दूंगा, सैलरी आएगी भर दूंगा, इस तरह की बातों से दूर हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर तनाव आपके इसी कारण होते हैं, क्योंकि आप झूठे आश्वासन देते जाते हैं और मुसीबतों में फंसते जाते हैं। तो ये गलती मत करो साथियों, ये गलती मत करो, ठीक है ना। एक बार और कह दूं, पति ने लोन लिया पत्नी जिम्मेदार नहीं, बाप ने लोन लिया बेटा जिम्मेदार नहीं, बेटे ने लोन लिया बाप जिम्मेदार नहीं, लेकिन अनसिक्योर्ड बेटा, अगर सिक्योर्ड लोन है तो प्रॉपर्टी से वसूल किया जा सकता है। चिंता सिविल स्कोर की ना करें, जिंदगी की करें। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा तनाव आ रहा है कि अगर मैं मल्टीपल लोन का शिकार हो चुका और भविष्य में भी मुझे लोन नहीं मिलेगा तो मैं लोन पे लोन लेके भरूं, तो इससे बढ़िया यह है कि आप अभी सुधर जाए, अपने आप को अभी सही कर ले, अपने परिवार के साथ बैठ के बात करें और रास्ता निकालें, अन्यथा उलझते रहोगे जिंदगी भर, फिर बाद में नहीं निकल पाओगे। अब बात करते हैं मुद्दे की। साथियों, आज के वीडियो में पूरी कोशिश की हमने ईमानदारी से आपके हर सवाल का हम जवाब दें। इस बीच में ढेरों कॉल्स आए, उन ढेरों कॉल्स को इग्नोर किया, कई काम के फोन को मिस किया। इस 1 घंटे के दौरान हमने पूरी कोशिश की कि पूरी ईमानदारी से आपके हर सवाल का हम जवाब दें, क्या लीगल है क्या इलीगल है, और यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं तो क्या आपके अधिकार है। साथियों, लोन भरना नहीं भर पाना एक सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है। यदि आप मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ चुके हो और आप लोन नहीं भर पा रहे, ऐसी स्थिति में आप कोई तनाव न लें, कोई गहरी चिंता में न जाएं, मानसिक अवसाद में ना आए, आप कोशिश करें कि आप उससे निराकरण कैसे करें। आप लोन लेकर लोन भरने वाली नीति पर नहीं आए और अपने परिवार के साथ बैठकर उन तमाम चीजों को क्लियर करें। और यदि मल्टीपल लोन के शिकार है, जो किस्त है 50,000 आ रही है महीने की, 70,000 आ रही है, 80,000 आ रही है, 5 लाख आ रही है, 10 लाख आ रही है, 20 लाख आ रही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हर चीज का समाधान मौजूद है। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की घटना होती है ना, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर कहता है काश आप इसे आधा घंटा पहले ले आए होते, और यही गलती आप करते जा रहे हो। यदि आप बहुत ज्यादा डिफॉल्टर नहीं हो चुके हैं, मन में गलत ख्याल आ रहे हैं, तो उन गलत ख्याल की तरफ बच जाओ। मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ चुके हो, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवोकेट से आज ही कंसल्ट करें, किस बैंक से लोन लिया, कौन सा लोन लिया, कब लिया, कितना लिया, कितनी किस्तें भर दी, अगली किस्त कब है, कौन कौन से नोटिस आए, और अब आप क्या चाहते हो, पूरी एक लिस्ट तैयार करो। लोन सैंक्शन लेटर निकालो, लोन ऐप से लोन लिए तो उनके भी स्क्रीनशॉट निकालो, कल ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, भरोसा नहीं। क्या आपके चेक पड़े हुए हैं, तो कौन कौन से चेक पड़े हुए हैं, कौन सा स्टाम्प पड़ा हुआ है, पूरी एक डिटेल
तैयारी करो। यदि आपने प्राइवेट व्यक्तियों से भी लोन लिया है उसकी भी डिटेल तैयार करो, उनको क्या एग्रीमेंट दिया, क्या चेक्स दिए हुए, वो सारी डिटेल तैयार करो और उस डिटेल के साथ अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलो और उनसे साझा करो इस चक्रव्यूह से हमको बाहर निकालो, अब मैं लोन नहीं भर सकता हूं, किसी भी तरह करके मुझे लोन मॉरेटोरियम कराओ, लोन का रिस्ट्रक्चर कराओ, ईएमआई कम करवाओ, लोन माफ करवाओ, क्या क्या आप चाहते हो वो सारी चीजें उनको बताओ और किन हालातों के चलते ये कहानी हुई उसकी पूरी एक स्टोरी बनाओ और उनको बताओ। एक ध्यान रखना, वकील काला कोट आपसे फीस जरूर लेता है लेकिन आपको हजार मुसीबतों से निकालने के लिए आगे आता है। महाभारत में कर्ण के बाद केवल एक वकील है, केवल एक वकील है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो आपका साथ देता है और आपको जिताने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। अब कई लोगों का कहना होता है अरे सर वकील साहब फीस लेते हैं, तो महाभारत में कर्ण भी अंगराज बने थे, यानी कि दुर्योधन ने उनको राज सिंहासन दिया था, राजा की उपाधि दी थी। देने और लेने का सिस्टम यदि नहीं होगा तो सृष्टि चलेगी कैसे? इसलिए आप इन बातों पे बताओ कि वकील फीस लेंगे। यदि वकील काम करता है अपने दिमाग के सारे पेच यदि ढीले करता है तो जाहिर सी बात है कि वह आपसे फीस लेगा। लेकिन आप सोचिए कि आप महीने की 1,00,000 रुपए किस्त भर रहे थे और वही वकील आपसे 1,00,000 रुपए फीस लेता है और आपके 10-20 लोन के अंदर यदि आपको डिफेंस करता है तो कहां गलत है? वह पूरा आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे देगा कि किस तरह आप इस लोन के झंझट से निकल सकते हो, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके हर नोटिस को वह पढ़ के आपको सजेशन देगा। साथियों हमेशा कहता हूं नियरेस्ट एडवोकेट से कॉन्टेक्ट करो, उनको कहो हमारा वीडियो दिखाओ, ठीक है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हो। यदि नियरेस्ट एडवोकेट नहीं मिलता है ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट करो, भले उनसे काम मत कराओ उनसे सजेशन लो। और कोई भी एडवोकेट होगा ना, यदि फोन कंसल्टेशन की फीस, यदि किसी के ऑफिस विजिट करके मीटिंग करने की जो फीस होगी ना उससे कम ही होगी, आपको एक बेटर सजेशन देंगे और आपको सारी चिंताओं से मुक्त करेंगे। साथियों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से पहले भी हमारे कई वीडियो इस चैनल पर पोस्ट है। निवेदन हाथ जोड़ के ये है कि अनर्गल कॉल नहीं करें। यदि आप बात करना चाहते हैं, हमसे कॉल बुक करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो केवल टेक्स्ट मैसेज करें कॉल बुक। हमारे चैनल का लिंक आपको आएगा जहां सारे वीडियो पोस्ट है, देख सकते हैं। फिर भी आपको सवाल का जवाब नहीं मिला तो कॉल बुक कराएं और कॉल बुक होगी तो ही हमारी तरफ से फोन आएगा और लंबी चर्चा संभव हो पाएगी, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम छोटे छोटे बार बार के फोन पे लंबी चर्चा कर पाए। साथियों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कई प्रकार के वीडियो इसी प्रकार पोस्ट कर रखे हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर विजिट करें और आपका कोई भी मित्र रिश्तेदार परिचित यदि लोन के चक्रों में उलझ चुका है ना तो इस वीडियो को उनको शेयर करें। एक उम्मीद है ये वीडियो उनके जीने की, उनके बाहर निकलने की, उनके संघर्ष करने की और फिर से वही रुतबा वही पद वही प्रतिष्ठा हासिल करने की, क्योंकि बुरा वक्त तो महानायक अमिताभ बच्चन पर भी आया और वो भी निखर के आज 72 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स पे किया है, तो फिर हम क्यों पीछे हैं। साथियों एक शेयर बनता है आपका, शेयर करें और आपके साथियों को शेयर करें और उम्मीद करता हूं एक अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट्स करें, कमेंट्स पढ़कर जब भी हमें समय मिला रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना समय मिलना हमारे संभव नहीं होता है, लेकिन आपके कमेंट्स को देखकर नए वीडियो जरूर बनाते हैं। और सिर्फ इतना सा कहूंगा बिना कॉल बुक किए फोन न करें, आप अपने नजदीकी एडवोकेट से मिले उनसे कंसल्ट करें और ये वीडियो भी उनको जरूर दिखाएं ताकि वह आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर पाए। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी प्रकार की लीगल अपडेट कानूनी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कहूंगा फेसबुक पे देख रहे हो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो लेकिन एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, वहां हर चीज आपको व्यवस्थित देखने मिलेगी। धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।